का बयान ये आ रहा है कि हमको इसके साथ रहना, भले लात जूता खाएंगे लेकिन रोशन रोही के साथ ही मरवाएंगे, तो हमारा ये नहीं समझ में, अब समझ में आ जाएगा कि भैया आती है घर से कमाने खाने यहाँ नाम बनाने के लिए, लेकिन जब तक तुम हमको देगा नहीं, देगी नहीं, तब तक तोरा हम काम नहीं देंगे। तो पूजा वाले मामले में महिला मंच कहाँ से घुस के ले, अरे वो कौन संगठन था, हम तो जानबो नहीं कर रहे हैं, दो चार गो नया नया संगठन अक्सर प्रताड़ित होती है, हर महीना के दिन महिलाओं को भी तबियत खराब होता है, आप नहीं समझते हैं, लड़की तो 10 गो से बतियाती है जी, और जब लड़की कहती है कि ए सुनो तुम उस लड़की से बात मत करना, तो मैंने ताली ऐसे बजाय कि ऐसे बजाय से बताइए पड़ रहा है, और तुम छेदा के फेरा में जो तुम लोग पगला जाते हो, जो तुम लोग इधर से उधर चल जाते हो, इसे बदनामी ना था तेल लगा के सरसों गया और चल जाएगा बरसों तक, तो खत्म ही ना हो जाएगा। जीबी रोड कहने के लिए तोरा जाही था जो तोरा मने कर लो कि संभोग करेंगे भैया, हाँ तो कहला मीडिया में बोलता था कि डार्लिंग तुमसे ब्याह करेंगे, ऐसे चक्कर में कोची मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय बेइज्जती के, सिवाय बिहार के महिलाओं को बेइज्जती के, और तमाम वैसे माता पिता खुशबू की गलती ये है कि जो माता पिता तुमको पैदा किया, तुम जिसके लिए आज काम कर रही थी, और जो 2 साल के लिए जो तुमको रखा, तुम इसका भी नहीं हुई और ना उसका हुई, तुम अपना गहना बेच दी, गहना समझ रहे हैं इज्जत। ताप सत श्री अकाल, हम है समीर चौधरी, और आज इसको जो आप देख रहे हैं, जो अपने आप को कह रहा है कि हम बहुत बड़का सुपरस्टार के झा है, गाली देना समीर चौधरी बंद कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रताड़ित हमेशा लड़की और हमेशा छोटे गायक अपने कर्मों की वजह से होते हैं। स्पेस दीजिए ना भैया, थोड़ा सा आप लोग स्पेस ले लीजिए। अच्छा हमको ये हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि केकर गिर लो हो पहले, हाँ तो लीजिए ना, तो मेरा है यार, तो हमरा कहिए आप लोग कि गायक लोग अगर एक वो गाना अगर हिट हो और पवन सिंह के एकदम दादा बने के फेरा में रहेगा तो उसे गायक बन जाएगा, आसान किया था इसका माता पिता, अगर आज हम इसका पुतला जरा रहे हैं तो जराने का मकसद ये नहीं है कि रोशन रोही मेरा दुश्मन है, रोशन रोही मेरा एक भाई है, एक हमारा बहुत ही अच्छा मित्र भी है, लेकिन इसके आग्रह में हम तमाम लोगों को ये दिखा देना चाहते हैं कि देखो अगर तुम गलत करोगे, अरे भाई 2 साल मजा मर रही तखनी ना मजा आवा लो, तखनी ना लगा लो कि खुशबू नाम है, तमाम लोगों को हम दिखा देना चाहते हैं, मोबाइल दो भाई, तमाम लोग सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपके साथ काम भी कर चुकी है, जी जी काम कर चुकी है, और हम जानते हैं ना कि डंका के चोट पे बात करते हैं, हम ठोक बजा कर बतियाते हैं, हमारा पास किताब है, इन लोगों की कहानी है, खोल देंगे ना अभी कहानी, अभी जो जो व्यक्ति कह रहा कि जेल नहीं जाएगा, बेल नहीं होगा, जाएगा ऐसा जगह कि दोबारा शायद लौट के वो नहीं करेगा, कुंडली देखिए कि ये आप लोग को दिखा दे, सबको दिखा रहे, ये हमारा जो पेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पेज पे एक्टर समीर चौधरी के इंस्टाग्राम पे देखिए, ये देखिए यही ना है, यही ना है जी, आए कौन है, एक नाम जानते हैं, एक नाम है खुशबू, ठीक है, खुशबू हमारी एक बहन है, ऐसा बोलने की बात नहीं है, आज नहीं 3 महीना पहले से ही ये सब बात हुआ था, खुशबू को हमने कहा था, खुशबू ही हमको कहती थी कि भैया हम वायरल नहीं होना चाहते हैं, भैया हम चाहते हैं किसी तरह से सॉर्ट आउट हो जाओ, लेकिन गलती दोनों का है, हाँ खुशबू की गलती ये है कि जो माता पिता तुमको पैदा किया, तुम जिसके लिए आज काम कर रही थी, और जो 2 साल के लिए जो तुमको रखा, तुम इसका भी नहीं हुई और ना उसका हुई, तुम अपना गहना बेच दी, गहना समझ रहे हैं इज्जत, महिलाओं का गहना नहीं जी इज्जत, आए लेकिन चले खुशी की बात है कि खुशबू कम से कम मास्क लगा के अपने समाज बिहार समाज की बेटियों का एक इज्जत बना के चला, अन्ना तो भैया वायरल होने के चक्कर में कोची मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय बेइज्जती के, सिवाय बिहार के महिलाओं को बेइज्जती के, और तमाम वैसे माता पिता को जो अपने बच्चों को कलाकार बनने के लिए बाहर भेजते हैं और कला के नाम पे यहाँ संभोग होबे लगता है, ये छोड़ा के हम ही लगी समझा रहे हैं कि आई रे जब तोरा कर ही ला लो तो तू सोना गाछे जीबी रोड कहने गेली, तोरा जाही ल था जो तोरा मने कर लो कि संभोग करेंगे भैया, हाँ तो कहला मीडिया में बोलता था कि डार्लिंग तुमसे ब्याह करेंगे, आज चल गए, और हमरा ये बताइए, तमाम लोग से पूछ रहे हैं, तमाम लोग से कि अगर कोई व्यक्ति अगर सीढ़ी पे चढ़ता है तो सीढ़ी पे छता पर न जाना चाहिए जी, सीढ़ी पे चढ़ना चाहिए, तो तुम सीढ़ी की जगह तेल लगा के सरसों गया और चल जाएगा बरसों तक, तो खत्म ही ना हो जाएगा, तो बस हम यही कहना चाह रहे हैं आप लोग को, जो सवाल जवाब है पूछिए, बाकी ऐसे लोगों को समझ जाइए कि जो छोटा गायक है अगर ये गाना आपका बजता है ना मेरे भाई, आपके माता पिता आपके समाज के लोग बहुत आशा करते हैं कि हमर फलानवा जिला से हमारे वो गायक बन रहा है, और तुम छेदा के फेरा में जो तुम लोग पगला जाते हो, जो तुम लोग इधर से उधर चल जाते हो, इससे बदनामी ना तो तुम्हारी है और समाज की बदनामी हद से ज्यादा है, तुम तो चल जाओ। समीर जी ये लड़का आरोप लगा रहा है उस लड़की पर, अब
कि वो चरित्रहीन है। ना ना चरित्रहीन, एक मिनट एक मिनट, ये कह रहा, अब ये कह रहा है ना, उसके ऊपर आरोप लगा रहा है वो चरित्रहीन है, वो चरित्रहीन है। तो कौन ऐसा पति हो या फिर इस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला शख्स हो तो वो फिर अपना लेगा अगर वो चरित्रहीन हो जाएगी तो? देखिए हम तो ये कह रहा, हम यही कहना चाहेंगे कि लड़का जब ये कहता है कि हाँ लड़की तो 10 गो से बतियाती है जी, और जब लड़की कहती है कि ए सुनो तुम उस लड़की से बात मत करना, तो मैंने ताली ऐसे बजाई कि ऐसे बजाई से बताइए पहले। जब आप किसी को अगर तंज कस रहे हैं तो आपको भी तंज में रहना ना पड़ेगा। आए तंज में नहीं रहिएगा, आप सोचिएगा कि हम बड़का गायक हो गए, ये लड़की को बंधन में रखेंगे, आज मजा मारेंगे, छोड़ देंगे। आप तो बउआ सब समझ जो, जे आगे बढ़ रहे हो पीछे मुड़ के ऐसे नहीं देखना, आगे ही देखना, और पीछे मुड़ने के लिए सब जो गलत गलत काम कर रहे हो, अरे कामयाबी की सीढ़ी चढ़ मेरे भाई, हम इसको एक भाई समझ के ही बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और जरूरी नहीं कि अगर बाबू से हमारा कर्जा है तो हम एक विरोध ही है। दोनों लोगों से आपका लगाव रहा, दोनों लोगों से लगाव, मर जाएंगे लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। मर जाएंगे, शादी नहीं करेंगे, नहीं मरेगा, यही बता देना आप लोग के, समझे कि नहीं मरना। दोनों लोगों से आपका लगाव था, 5 लाख रुपया हम देंगे, मुंह मरवाओगी सब जगह। 5 लाख रुपया देंगे तो तुम 5 लाख रुपया निहर काम किया है? जखनी तुम वीडियो में बोलता था कि हम ब्याह करेंगे डार्लिंग, ई है वो है, आई डार्लिंग के तू, मतलब हमारा ये नहीं समझ में आ रहा कि अक्सर हमेशा हमारे समाज के महिलाओं को ही प्रताड़ित क्यों होना पड़ता है? अरे वो इंसाफ मांग रही, इंसाफ में ये कह रही है कि हमको 10 लाख रुपया चाहिए। खुशबू ने ऐसा कहा है? नहीं कहा। खुशबू ने ये भी नहीं कहा है कि इसको जेल भेजवाएंगे चाहिए। खुशबू का बयान ये आ रहा है कि हमको इसके साथ रहना, भले लात जूता खाएंगे लेकिन रोशन रोही के साथ ही मरवाएंगे। तो हमारा ये नहीं समझ में आ रहा भैया कि तुम मर जाओ चाहे जो करो, लेकिन रहना तो थोड़ा ओकरे साथ ना है। आए? दोनों लोगों के आप करीबी रहे हैं, दोनों लोगों को आप जानते हैं, रोशन के बारे में आप क्या जानते हैं? रोशन के बारे में ही जानते हैं कि बहुत गरीब घर से लड़का है, बहुत आगे है, इसके माता पिता बहुत आशा किए हैं। और रहा बात की मगे ही चरित्र कैसा था, देखिए चरित्र का बात है तो भैया ये तो हम कोनों का नहीं जानते है ना। आए चरित्र का तो कोई किसी का नहीं जानता कि मन में विचारधारा क्या है अगला का, हमको ये समझ में। खुशबू के साथ आप काम कर चुके हैं पहले से भी, क्या खुशबू के साथ ऐसा कभी आपने सुना जाना का फेर था? नहीं ऐसा नहीं, नहीं खुशबू के बारे में तो हम जितना जानते हैं शायद आप लोग में से कोनो नहीं जानता होगा। ये खुशबू भी देख रही होगी या देखेगी तो जानेगी कि नहीं समीर भैया मेरा सही बोल रहा। खुशबू लड़की ठीक है, समझो कि प्यार में नहीं होता आदमी अंधा हो जाना, हाँ प्यार में वो अंधी हो गई थी भैया, लेकिन अगला झांसा में ला के अगला के साथ का करके 2 सालों का साथ कितना शोषण हुआ है, आप नहीं समझ रहे कि समाज की महिलाएं अक्सर प्रताड़ित होती है। हर महीना के दिन महिलाओं को भी तबीयत खराब होता है, आप नहीं समझते हैं लड़कन के होता है नहीं होता? अरे भैया समाज के माई बहन के लिए खड़ा रहिए ना भैया, हम सोना गाछी में जब कॉल गर्ल को सुधार सकते हैं, जब ऐसी महिला को जो उस गंदगी में थी उसको निकाल सकते हैं, तो हम अपन समाज के माई बहन बेटी के लिए नहीं बोल सकते हैं? नहीं बता इस तरीके की है, और लेकिन अब कहते हैं जेल जाएंगे तो जाएंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे, जेल भेजिएगा। ये तो देख लीजिए, भेजिएगा समीर चौधरी तो जेकरा पे ऐसे हाथ रखा वो अच्छा है तो आबाद, नहीं तो बर्बाद, बोले के बातें नहीं है यहाँ पे। तो जेल अब बेल के यहाँ फेरा नहीं लगाओ, जेल जाने के जो शौक जग रहा ना तुमको बाबू मेरा, तो जेल जाने के बाद तुम निकलोगे ना तो बड़का तुम अपने आप को सुपरस्टार नहीं समझोगे, तुम्हारे ऊपर थू होगा, तुम्हारे माता पिता के ऊपर थू होगा कि देखो यार ये गायक बन रहा था। ऐसे तमाम छोटे छोटे जो गायक है ना वो अब शायद आगे बढ़ने से पहले सोचेंगे। और बहुत अच्छा लगा कि तुम ये काम किए हो कि तमाम लोग को सीख दे दिया है कि अब भैया प्यार मोहब्बत नहीं करना, आगे बढ़ना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नियम है जो ओपन लिविंग रिलेशन में है तो फिर एग्री होकर तो कर रहे हैं ना आप? देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के ई नियम देख लिए, ई नियम नहीं देख रहे कि कोर्ट मैरिज जब कीजिएगा तब जाके मान्यता मिलेगा, धर पकड़ के ब्याह कीजिएगा, 4 मुट्ठी के संगठन है, उछल के कहूँ चल जाइएगा, और कहिएगा कि 50,000 रुपया दो तो तोरा ये लड़की के माथा पे बांध देंगे, तू 1 लाख दो तो ये लड़का के माथा पे तोरा बांध देंगे, ऐसा संगठन के तो हम पहले मैया बाबू को प्रणाम करियो। अरे भैया के बात, ऐसे तमाम संगठनों को जो कि पूजा को जो मैटर था खड़ा हुआ था, ये सब कौन संगठन, हम तो मानबो नहीं करे, सबके देखो ना करिए, लगता वही संगठन के बाद हाईकोर्ट का दिमाग खुला है, हाईकोर्ट खुला है, हाईकोर्ट का जब दिमाग खुला तो हाईकोर्ट ने क्या कहा कि भैया देख लीजिए ये वो पेपर में जारी हो गया कि हम धर पकड़ के ब्याह को मान्यता नहीं देते हैं, सही बात है। तो आप कौन होते हैं, आप कह रहे हैं कि जिसपे समीर चौधरी हाथ रख दे वो आबाद हो जाए नहीं तो बर्बाद हो जाए, समीर चौधरी कौन होते हैं जो इस तरीके की बात कहें, और उसके लिए तो कानून है संविधान है, तो फिर आप कौन होते हैं कि आबाद बर्बाद? समीर चौधरी वो है जो कि अगर आप लोग आज सांस ले रहे हैं ना, जो आप आजादी घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समीर चौधरी एक स्वतंत्र सेनानी था अपने समय में, या फिर आज भी हमको अगर करना रहता तो हम आप लोग के दुकान चलावे ला खड़ा होते भैया? नहीं होते, एगो बंद कमरा में जाते हैं और कहूं पुतला जरा देते हैं, भैया हम ब्लॉगर के झाइए,
तो हम यही कहना चाहते हैं कि आपकी भी चल रही है समीर जी, भैया के बात हमार समाज में आवाज जा रहा है, हमको एक रुपया का कोई फायदा नहीं, लेकिन हम माई बहन सब हमारे भाई लोग के पहचान तो बढ़ रही है, समीर को तो जाना जा रहा है, समीर को आपकी दुकान चल रही है, मीडिया इसमें मीडिया को कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मीडिया नहीं रहेगा, चौथा स्तंभ नहीं रहेगा, तो कोई आवाज कहीं तक पहुँचेगा नहीं जाएगा। महिला मंच पे कर रहे थे पूजा के मामले में, क्यों तो पूजा वाले मामले में महिला मंच कहाँ से घुस के ले आल? अरे वो कौन संगठन था, हम तो जानबो नहीं कर रहे हैं, दो चार को नया संगठन खुल गया था। इधर आ जाइए भाई जी, ऐसे आइए सामने से। तो बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए, इससे एक सीख मिलने वाला है तमाम उन छोटे गायकों को जो आगे बढ़ने के लिए कभी भी लड़कियों के झांसा में या कभी कहीं फंस जाते हैं, और तमाम उन मॉडल को भी अब समझ में आ जाएगा कि भैया आती है घर से कमाने खाने यहाँ नाम बनाने के लिए, लेकिन जब तक तुम हमको देगा नहीं, देगी नहीं, तब तक तोरा हम काम नहीं देंगे। तो इस कारण से आगे बढ़ने के कारण से अगला प्रताड़ित हो जाता भैया। पुतला जलाकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? पुतला साबित कुछ करना, हम आय से जला रहे हैं, हम जला रहे हैं, तो पर संविधान में लिखल है कि जो गलत करे, अगर लगे कि ये समाज को दूषित करने का काम कर रहा है, तो समाज में मैसेज देने के लिए पुतला, तो भैया किताब में लिखल है, यहाँ बड़ा बड़ा नेता का पुतला जलता, तो यहाँ पुतला जलाने का मतलब ये नहीं कि हमको इनसे जमीन चाहिए या इनके पिता से हमको एगो हक चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, मेरा ये भाई है और हम इसका पुतला जलाएंगे, इसलिए भाई बता रहे, दूसरी तरफ पुतला भी जलाने की बात कर रहे हैं। हाँ अजीब बात है, अजीब बात है, मेरा भाई कारण है ना कि कम से कम इसको देख के 100 गायक सीखेगा। हाँ समीर भाई जो है कमेंट कर रहे हैं कि कोई मुद्दा है, ठीक है मुद्दा ना है कि ना है, कुछ लोग बोला कि भैया आप इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अरे भैया हाईलाइट उलट कुछ नहीं कर रहे हैं, समाज में एक मैसेज जाएगा कि अगर आप कामयाब बन रहे हैं, जैसे हमारे बहुत पत्रकार भाई लोग भी, ठीक है, अगर ये आगे बढ़ता है, इसका फॉलोवर बढ़ता है, तो कुछ ऐसे लोग है जो कहते हैं कि ना ये ज्यादा गुगेवर करता है तब बढ़ता है, मेहनत से किया भाई, हम तो यही कहते हैं कि जितने ये लोग जो है ना, इन लोग से अच्छा अभी तक है ही नहीं है कोई, क्यों, बड़ा बड़ा टीवी चैनल पैसा लेके काम करता है, बड़ा बड़ा टीवी चैनल खाली फलनमे के दिखाएगा, लेकिन आप लोग जमीन से जुड़ते हैं, आप लोग दिखाते हैं कि ये गरीब का घर टूट गया है कैसे बनेगा, तो आप लोग के माध्यम से आवाज जाता है वहां तक, बस हमारा कहने का और ऐसा कुछ नहीं। महिलाओं के लिए आपने एक संगठन खोलने की बात की थी? हाँ की है, बोलने की बात नहीं है, हम तमाम उन माँ बहनों के लिए खोल दिए, ऐसा थोड़ी है, हम कोई पैसा नहीं मांगते, कोई एक रुपया नहीं, अगर हमारे खून से, अगर मेरा एक सिलेंडर से खून ले लीजिएगा, अगर आपको खुशी हो तो ले जाइए ना। अच्छा समीर जी, एक बात और है कि ये लड़कियों के साथ ये कोई नया मामला नहीं, इसके पहले भी तमाम मामले आते आए हैं, लेकिन लड़कियां आखिर ऐसे मामलों को लेकर सीखती क्यों नहीं है? उनके साथ शोषण हो जाता है, फिर दर दर ठोकरे खाती है, तो लड़कियां सीखती क्यों नहीं है आखिर? दिल्ली में जब घपा घप जब मारा गया था, ओखनी नहीं समझ में आया था, ओखनी से लड़की लोग को नहीं समझ में आया था कि भाई हमारा साथ ऐसे से प्रताड़ित हो जाता है, तो हमारा कहना है कि लड़की का दिल बहुत नाजुक होता है, आज अभी आप बोल दीजिए ना किसी को कि जानू तुम्हारे लिए जान दे देंगे, वो आपके लिए कुछ भी कर देगी, अब कल होके बोल दीजिएगा कि हम तुम्हारा जान ले लेंगे, तो शायद डिप्रेशन में चली जाएगी। अच्छा आपको ये प्यार को तो आज खेला हो गया, लड़कों को भी धोखा दिया जा रहा है, लड़कियों के द्वारा लगातार केस ऐसे आ रहे हैं? देखिए फिर लड़की के धोखा देवल जाए, लड़का सबसे ज्यादा मजबूत होता है, हम तो इतने जानो भैया, लड़का हो वो चील समझ ली ना, और चील के नजर से कोई नहीं बचता है। अरे ठीक है, कोई घर के अंदर वाला लड़का जो बाहर का दुनिया नहीं देखा, तो वो तो प्यारे नहीं होता कभी, वो तो माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहता है, मैया बाबू जेने कल को बैलवा ब्याह कर ले तो बैलवा ब्याह कर लेता है। अच्छा, तो आपको लगता है कि दोनों गलती है, रोशन और गलती है तो नहीं दिख रहा है आपको कि वो लड़की आज समाज में जला रहे हैं, फिर एक का जला रहे हैं, वो एक लड़की है, कहीं ना कहीं वो प्रताड़ित हो चुकी है, अपन गहना तो बेची थी ना, इज्जत इज्जत तो बिक गया, अब क्या लेगी भैया? कई लोग कह रहे हैं कि वो खुद इज्जत नहीं बिछवाई है, बुढ़ा मीडिया में उसका दोषी तो खुद ना है, चलिए कम से कम हमको अच्छा लगा कि वो मास्क लगा के हमारे समाज बिहार की महिलाओं और बेटियों का इज्जत बचाने को उसने काम किया। एक सवाल है, रोशन रोही ने कहा था कि इसके पहले भी अफेयर रह चुके हैं रोशन रोही से, पहले आप जानते हैं शादीशुदा है, फिर कह रहे हो भाई, हमारा कहना में कि समीर चौधरी से बात हो रहा है, मेरा इतिहास उठा के देखिए कि हमने जिसके ऊपर हाथ रखा है वो बर्बादे हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ, आप ही लोग बोलिए। बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई, कोई बढ़िया नहीं कर रहे हैं, इस लड़का के माध्यम से हम तमाम उन छोटे गायक जो आगे बढ़ना चाह रहे, जो अपने आप को पवन सिंह खेसारी लाल बनाना चाहते हैं, सीख लो कि कभी भी आगे बढ़ने समय कभी लड़कियों के फेरा में मत फंसना, जिंदगी में आगे बढ़ना, आगे बढ़ना और माता पिता और समाज का नाम रोशन करना, तब न जाके कुछ होता है। आपको लगता है कि जो किरण सिंह उनके साथ गलत किया गया है, वादा करके मुकर गया है? हम तो समझ ही नहीं पाए क्या बोले, दोबारा बोलिएगा तब समझेंगे। चलिए बोला जलाइए। तो देखिए हम यही कहना चाहेंगे कि समाज में अक्सर बेटियां ही प्रताड़ित होती है भैया, और रहा बात कि जितने लोग
ये सोच रहे हैं कि आखिरकार समीर चौधरी ऐसा क्यों कर रहा है, तो हम इसके पुतला जलाने से एक मैसेज देना चाह रहे हैं तमाम उन लोगों को। बाकी हमको ना तो किसी से जमीनी विवाद है, ना किसी से खून का रिश्ता है, ना खून का विवाद है। बस हम इतना कहेंगे, बाकी समाज में हर बहनों के लिए समीर चौधरी खड़ा है। लाख बहन अगर गलत भी करती है तो थोड़ा सा गलती पे पर्दा डालें कि आप लोग के घर में भी बहन होगी। अगर आपकी बहन थोड़ा सा गलती करती होगी तो लास्ट में याद कीजिए, जब ब्याह होता है ना तो गला मिलके जब रोती है ना तो मुंह चुरा के रोते हैं आप लोग। तमाम भाई लोग से हम बोल रहे हैं ऐसे मुंह चुरा के रोगा कि बहन तो हमारे चल गए लोग, तो कम से कम दूसरे की बहन को भी अपना बहन समझिए। और अपने माँ के कोख से पैदा होना ही माँ नहीं होती है, माँ सबकी भी माँ अपनी माँ होती है। बस हम इसलिए खड़ा हुए भाई। कानूनी तौर पर ये मामला अभी कहाँ तक पहुँचा है? बहुत दूर तक जाने वाला है। और जो लोग को ये लगता है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा और ये मामला हाईकोर्ट तक गया है तो खारिज हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो कम से कम हम तो इतने जानते हैं कि जहाँ तक हम कह रहे हैं रोशन भाई के घर गुस्सा कितना तक जाएगा? गलत बात है, गलत बात है। तमाम ऐसे संगठनों से हम हाथ जोड़ के विनती भी कर रहे हैं कि आप लोग समाज जोड़ अभियान चलाइए, घर तोड़ और घर जला, किसी का इज्जत तोड़ फोड़ समाज को नहीं चलाइए आप लोग। क्योंकि उससे क्या होता है ना, मान लीजिए वो लड़का की गलती था, वो लड़की की गलती, लोग माए बाप के ऊपर परेशानी क्यों हुआ? उस गांव में जाके, वो गांव में जाके अगर थू थू हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोग तो वहां से चल आए। अरे हर दिन खिस्सा हो रहा है वहां पे, अरे तोरे ने बेटवा ऐसे किया था, अरे तोरे ने बेटवा के ऐसे लड़की के साथ फंसा लो, तो हर दिन उनके माता पिता को ये सुनना पड़ता, जबकि ऐसा आशा नहीं किया था उन लोगों ने। आशा ये किए थे इसके माता पिता कि बेटा हमारे वो गायक बन जाएगा तो समाज में वो अच्छा जाएगा कि चलो। लेकिन क्या कीजिए, कामयाबी आती है ना, लेकिन उनकी नहीं, कामयाबी जब होती है ना तो आदमी का दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। लास्ट सवाल समीर भाई, सामाजिक संबंध के मामले में जो है हजारों केस हो रहा है, आज भी देख रहे हैं पूजा का मामला देख रहे हैं, बैक टू बैक हो रहा है, क्या चलता ही रहेगा? बस हम तो यही कहें कि समाज में आप लोग हैं, जहां आप लोग को लगे कि हाँ ये मुद्दा में ये चीज है तो तुरंत स्पष्ट दिखाइए, खुलासा कर दीजिए, खुलासा कीजिए, दम खुलासा कीजिए और वैसे लोगों को दूरी बना लीजिए वैसे लोगों से। चलिए चलिए, देख सकते हैं समीर चौधरी जी हैं दोस्तों, समीर चौधरी और प्रदान करेंगे और आप लाइव देखिएगा। अब ये देखिए रोशन भाई का लगातार जो है उनका कहना है रोशन भाई जो भी किया है जा रहा है, मामला लगातार सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है और इसका ये साफ शब्दों में बता दें तो रोशन रोही का पुतला जलाने का मकसद हमारा सिर्फ ये है, ना तो जमीनी है ना तो घर का विवाद है। तमाम उन छोटे गायकों को समझ लेना चाहिए कि अगर कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ना है तो लड़की बाजी से दूरी बना लीजिए और माता पिता को आप लोग क्या कीजिए कि आगे बढ़ने का मौका दीजिए। माता पिता यही ना चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चा आगे बढ़े, बढ़िया से आगे बढ़े। आए और रहते हो भैया फेरा में, तू नहीं फेरा करना है तो सोना गाछिया जीबी रोड जाइए। इसी के साथ करते हैं अब हम लाइव, अब इज्जे पर समाप्त। जय हो।